तो सुबह जब मैंने वीडियो शूट किया था जो मैं साफ सफाई कर रही थी, उसके बाद मैंने कुछ बातें कही थी आप लोगों से, कुछ बातें मैं शेयर कर रही थी, लेकिन बहुत जल्दबाजी में वो आई थिंक वीडियो बहुत जल्दी जल्दी जो मैं बोल रही थी वो मुझे उतनी समझ में आ रहा था। मैंने कोशिश भी की उसको वापस से बैक नॉर्मल मोड में लाने की, तो बट आई थिंक वो हुआ नहीं। तो जो भी मैं आप लोगों से कह रही थी वो सब कुछ चला गया उसमें। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसके काफ़ी सारे काम कर लेते हैं। मैं नहा ली थी, खाना वगैरह भी मैंने खा लिया था। तो लंच में मैंने कुछ ऐसे बनाया नहीं था, क्योंकि मैंने दो दो तीन तीन सब्जियाँ बनाई हुई थी तो काफ़ी सारी थी, तो सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी, तो जिसका मैंने वीडियो नहीं शूट किया। और अभी 7:15 तो अभी 7:45 हो रहे हैं, और सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी फिर मैं उठ गई थी। जनरली मैं नहीं सोती हूँ, लेकिन कभी कभी थकान ज़्यादा हो जाती है, और अब ऐसा हो गया कि मेड भी नहीं है तो सारा काम मुझे ही करना होता है, तो इसीलिए भी तो वीडियो शूट किया मैंने अभी एक और उसे अपलोड कर दिया। सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी फिर मैं उठ गई थी। जनरली मैं नहीं सोती हूँ, लेकिन कभी कभी थकान ज़्यादा हो जाती है, और अब ऐसा हो गया कि मेड भी नहीं है तो सारा काम मुझे ही करना होता है, तो इसीलिए भी तो वीडियो शूट किया मैंने अभी एक और उसे अपलोड कर दिया। कि जो दुनिया है उसमें हर कोई अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट दिखाना चाहता है, बट मैं इतना जानती हूँ कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, किसी की भी लाइफ नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, अच्छी दिखती हूँ, बुरी दिखती हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, काली हूँ, कैसी भी हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ, वो मेरे लिए मायने रखता है। मैं बहुत सोचती थी पहले कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से ये बातें क्यों शेयर करूँ, क्योंकि हम में से आई थिंक 90% लोग यही सोचते हैं कि यार हम कैसे दिख रहे हैं, हम पतले क्यों नहीं हो रहे हैं, हम मोटे क्यों नहीं हो रहे हैं। यार अगर पतला मोटा होना हमारे हाथ में होता तो हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हमारे हाथ में नहीं है। हम जैसे भी हैं, एज फैक्टर है, कोई भी मोटा नहीं होना चाहता, कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो कोई बहुत ज़्यादा पतला है, कोई कैसा है कोई कैसा है, नोबडी इज़ परफेक्ट। परफेक्शन के पीछे हम नहीं भाग सकते, हम इंसान हैं, इंसानों को भगवान ने गलतियों के साथ ही बनाया है, हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। पीछे से टीवी झांक रहे हैं तो खुश रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे कौन प्यार करता है, आपकी ज़िंदगी में कौन है, मैं ये सोच के बहुत थैंक यू बोलती हूँ ईश्वर को कि बहुत बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने, तो जो है उसके लिए मैं खुश हूँ, जो नहीं है उसके लिए मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। जो मेरी लाइफ में भी है मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, सुख दुख उसकी देन है, जो देगा हम खुशी खुशी अपना लेंगे। तो आप लोग भी खुश रहिए, और प्लीज़ जज मत करिए, किसी को नेगेटिव कमेंट्स भी मत करिए। सी अगर कोई अपनी लाइफ शेयर कर रहा है यूट्यूब पे तो उसकी लाइफ है, वो शेयर कर रहा है, उसे खुशी मिल रही है। कोई अकेला होता है, किसी के पास दोस्त नहीं होते तो वो अपनी फैमिली ऐसे ही बनाते हैं। मेरे पास भी कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे एक मोटिवेशन, एक मकसद मिला है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँगी सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कि मुझे अपनी बातें शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, मुझे एक फैमिली मिल गई है, तो मैं अपनी चीज़ें या बातें शेयर करके मुझे एक सुकून मिलता है। लेकिन मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे यूट्यूब पे, तो जब उनको नेगेटिव कमेंट्स आप करते हो तो आप एक बात सोचिएगा कि कितनों में इतनी हिम्मत है अपनी लाइफ शेयर करने की, कितनों में है अपनी इतनी हिम्मत कि वो अपने घर का माहौल दिखा सकें, या वो जो फील करें वो आप लोगों से शेयर कर सकें। क्योंकि एक ब्लैंक डीपी जो होती है ना तस्वीर, बिना किसी तस्वीर के पीछे किसी के लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप खुद उसी चीज़ में उतरते हो तब आपको रियलाइज़ होता है नहीं, इतना आसान नहीं है। तो जो भी हेटर्स हैं, और बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है अभी तक मेरे, तो मुझे अभी तक इतने ख़राब कमेंट्स कभी किसी ने नहीं किए हैं, सब मेरे दोस्त हैं, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मुझे पता है जैसे जैसे ग्रो करेंगे हम तो ये चीज़ें भी आएंगी लाइफ में, तो मैं उन सब से यही कहना चाहती हूँ, अभी अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़, आपकी लाइफ ही परफेक्ट नहीं, आप भी परफेक्ट नहीं है, आप भी जानते हो, तो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे के चैनल पे जाके हेट कमेंट करके प्लीज़ मत निकालो यार, आप भी इंसान हो, ऐसे हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम भी परफेक्ट। इतना मैं कहना चाहती हूँ, तो ये बातें थी कुछ, तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ, फिर आपसे आप लोगों से आके मिलती हूँ, और इस ब्लॉग को मैं आज ख़त्म करूँगी, ठीक है, चलिए। क्या कर रही हो? मेरा वीडियो बना रही है। नहीं बनाऊँ, बताओ मैथ्स पढ़ रहे हो मेरा बच्चा,
मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा मेरा बच्चा। तो दीवी अपना होमवर्क कर रहा है और बच्चों बहुत प्यारा है। अच्छा बेटा, हेलो बोलो, वेलकम टू माय मदर्स ब्लॉग्स। यस ब्लॉग, नाम तो बोलो। माय नेम इज दीपा। दोनों चैनल नेम पे ब्लॉग वेलकम करो। हेलो वेलकम टू माय चैनल। हेलो सो गाइस, आज का ब्लॉग, आज मैंने अपना पूरा रूटीन दिखाया और मैंने आप लोगों से कुछ बातें भी की और काम भी दिखाया। मैं आफ्टरनून में करती हूँ क्या काम, थोड़ा बहुत साफ सफाई करना होता है। एक्चुअली वीकली सफाई होती है और डेली तो क्लीनिंग होती है और बर्तन ही होते हैं, वो मैं खुद ही करती हूँ। और क्यों कर रही हूँ मैं खुद, मैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं, कुछ बन हे गाइस, सो ये जो वीडियो है, ये जो मैं शूट कर रही हूँ, एक्चुअली मैं जो कल का व्लॉग बना रही थी वो मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था क्योंकि लाइट बहुत, करंट बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी तो फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी और बार बार अंधेरा उजाला हो रहा था। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आज कंटिन्यू किया है, यानी कि कल 2 जुलाई था, कल 2 जुलाई था जो मैंने ब्लॉग आधा छोड़ दिया था। आज 3 जुलाई है तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने अभी खाना बना लिया है और आपने देख ही लिया पराठे बनाए मैंने। सो हाँ, मैं आप लोगों से क्या बात करना चाह रही थी। यस सो गाइज, एक प्रॉब्लम, एक चीज़ मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन, तो बहुत अच्छी चीज़ है तो इसलिए आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ और बहुत काम की चीज़ें आप लोगों के भी काम आएगी। तो ये मैंने कुछ मेडिसिन ऑर्डर की थी, मेडिसिन नहीं एक्चुअली टैबलेट है, हेयर टॉनिक आप कह लीजिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जिनके बाल बहुत कम हो चुके हैं, लाइक बाल है स्कैल्प पे लेकिन बाल कम है या बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, न्यू रिग्रो नहीं हो रहे, उनके लिए टैबलेट है स्पेशली फॉर वुमेन और मेंस के लिए भी बताऊँगी मैं। तो इस टैबलेट का नाम क्या है, मैंने इस टैबलेट की पूरी रिसर्च की है, पढ़ा है इसके बारे में, उसी के बाद मैं आप लोगों से इसके बारे में शेयर कर रही हूँ। और आप चाहें तो इस टैबलेट को नेटमेट से मंगा सकते हैं। बेसिकली एक हेयर सप्लीमेंट है तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, बाल नेल्स नए नए आ रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं, स्कैल्प दिख रहा है, तो ये बहुत हेल्पफुल टैबलेट है। आपको कैसे लेनी है मैं बता देती हूँ। इसका नाम है कैराग्लो ईवा नाम है इस टैबलेट का और ये फॉर वुमेन है, बिकॉज आप जैसे कि नाम से समझ में आ ही रहा है कैराग्लो ईवा है। और इस टैबलेट में क्या क्या चीज़ें हैं, आयरन है, ग्रीन सीड्स एक्सट्रैक्ट हैं, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स हैं और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको, तो मैं निकाल लूँ इसकी, मैंने इसे खोला भी नहीं है। तो कुछ भी ऐसा अच्छा सा मुझे कुछ अच्छी चीज़ पता चलती है तो मैं डेफिनेटली अपने प्यारे प्यारे सबसे कैसे शेयर ना करूँ, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मुझे सिर्फ, ये पूरा एक पैकेट है 195 का पड़ा मुझे, अभी मैंने सिर्फ एक ही ऑर्डर किया क्योंकि देखते हैं क्या इफ़ेक्ट दिखाता है, उसके बाद मैं इसके रिजल्ट्स भी आप लोगों से शेयर करूँगी, तो कम से कम 2 हफ्ते बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इसमें है मोरिच ऑयल, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल विद आयरन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स और बहुत सारे तरीके हैं इसमें, बल्किंग एजिंग, लैक्टोज, गिल्डेंट, सिस्टाइन बाइंडर, निकोटामाइड, जिंक सल्फेट। सो ये सारे जितने भी हैं आप एक बार आप भी देख लेना और इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो एक वेबसाइट है मेडिकल से रिलेटेड है, practo.com, जिसमें हम डॉक्टर्स
हमें मिल जाते हैं, हम उनसे सजेशंस ले सकते हैं. तो इसके बारे में डॉक्टर्स ने खुद लिखा हुआ है, लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. तो आप एक बार practo.com पर जाकर भी इसकी रिव्यूज देख लीजिएगा. ये बेसिकली डॉक्टर ने ही बोला है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं स्किन और हेयर के लिए बेसिकली, और टोटली हेयर सप्लीमेंट है. तो ये आई होप आप लोगों को फ़ायदा करेगा, स्पेशली वुमेंस. लेकिन जिनके बिल्कुल बाल नहीं है, स्कैल्प पे बिल्कुल बॉल्ड हैं, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं करेगा ये. इसमें साफ साफ मेंशन किया दे कर रखा था. तो ध्यान से सुनिए, ये कैरा ग्लो ईवा वुमेंस के लिए है और कैरा ग्लो मैन आदमियों के लिए है. ठीक है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना आप लोग. तो इसे मैं ट्राई करूँगी और इसके रिजल्ट जल्दी ही शेयर करूँगी. तो वैसे मुझे इतनी प्रॉब्लम है नहीं हेयर फॉल की, बट स्टिल और बालों के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रहा है, तो ट्राई करने में कोई बुराई भी नहीं है ना. तो ये सब चीज़ें थी. और हाँ, मैं आप लोगों से ये भी चीज़ शेयर करना चाहती थी. आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या वीडियो दिखा रही है, हमें घर का काम कर रही है ये सब. तो एक्चुअली वैसे मैं व्लॉग बना चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही है. पहले मैं क्लीनिंग और बर्तन नहीं करती थी, बाकी ऑलमोस्ट सारा काम तो मैं करती ही थी, लेकिन क्लीनिंग और बर्तन भी करती हूँ खुद से. तो एक अच्छा सा लगता है, एक पॉजिटिविटी, मतलब एक ऐसा लगता है हाँ कुछ कर रही हूँ और अच्छा भी लगता है. तो मेरी मेट्स जितनी भी थी सब अच्छी थी, बहुत बहुत बढ़िया थी सारी की सारी मेट्स जितनी भी मिली मुझे. लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कैसी भी मेट मिल जाएगी. तो मैंने उसको रखा था, मेरी जो पास्ट मेट थी वो मुझे बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी मेट थी मेरी. उसको कुछ प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो, उसने थोड़ा सा शेयर भी किया था मुझसे, लेकिन शायद वो मुझे ज़्यादा बताना नहीं चाहती थी, तो उसने छोड़ दिया था. लेकिन मैंने उसे बोला था कि अगर तुम जा रही हो तो अपने जैसे ही मुझे दूसरी मेट दे देना, उससे बात करवा देना. तो उसने भेजा था. तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो लेडी अजीब सी लगी. होता ना आपको एक फर्स्ट इफेक्ट आ जाता है कि अरे यार ये बंदा अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं. तो मुझे लगा था, लेकिन मुझे लगा शायद हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ. तो मैंने उससे बात कर ली थी और उसको मैंने क्लियरली बोल दिया था कि कल से आ जाना, और जितना मैं अपनी पहले वाली जो मेन थी उसको पे करती थी उतना ही मैं तुम्हें भी करती थी. वो आई, उसने काम किया. आई डोंट नो, मुझे अजीब सा हो रहा था कि नहीं पसंद आया मुझे उसका काम, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था. तब मुझे इन्होंने समझाया, नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, मैं उसको अपने हिसाब से टैकल कर लेना, उसको समझा देना, शायद उसको समझ में नहीं आई. तो मुझे लगा हाँ चलो ठीक है. लेकिन वो अगले दिन आई, फिर मैंने उससे पूछा कि भाई आपने ऐसे से क्यों नहीं किया, और बहुत अच्छे से बात की थी मैंने उससे, लेकिन उसका जो टोन ही शायद ऐसा था बात करने का, आई डोंट नो. तो बहुत रूड वे में बोली, नहीं मैं तो इतने ही लूँगी, और नहीं कौन करता है इतना. तो मैंने उसको बोला, मैंने आपसे पूरी बात की थी क्लियरली कि मैं अपनी मेरी मेरी ये काम करती थी, मैं उसको इतने पैसे देती थी, तो आप भी यही करेंगे, आपको भी इतने ही दूंगी. तब आपने कोई कॉशन नहीं किया था, वो साफ मुँह कर. फिर लेकिन उसके बाद भी मैंने कंट्रोल किया कि नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके. फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप नहीं करते तो आप ये मत बोलो कि और लोग भी नहीं करते. तो प्लीज़ आप एक काम करिए, आप ये मत करिए. मैं वो मुझे किचन का प्लेटफॉर्म और गैस स्टोव और जो किचन की जो टाइल्स होती हैं वीक में वन टाइम साफ़ करती थी, तो उसको भी मैंने सेम चीज़ बोली. तो उसने साफ़ मना कर दिया, नहीं 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 मैं नहीं करूँगी, और नहीं मैं तो इतने ही पैसे लूँगी, और कौन करता है, सब करते हैं. मतलब बहुत बदतमीजी से बेसिकली वो बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं काम करती हूँ उसकी और वो माल की. तो जैसे मुझे गुस्सा आ गया, नहीं मैं तो नहीं करूँगी फिर. तो मुझे भी नहीं पड़ी, तो उसे लगा था मैं उसकी मान मनवार करूँ. मैंने बोला ठीक है मत करूँ, छोड़ दूँ, अभी बर्तन करूँ और अभी के अभी बर्तन करके अपने पैसे लेके चले जाओ. तो उससे थोड़ी सी लगा उसको, लेकिन फिर भी वो अपनी उसमें ही थी. एक होता है ना, व्यक्ति हम्बली बात करता है कि नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, या जो भी है, एक हम्बल से आप बात करो. अगर सामने वाला बदतमीज़ी करे तो आप बदतमीज़ी करो. तो मैं फर्स्ट सबसे अच्छे से ही बात करती हूँ, लेकिन अगर सामने वाला अपनी पे आ ही जाता है तो फिर हम भी अपनी पे आ ही जाते हैं. तो मैंने उसको सीधे सीधे बोल दिया कि नहीं नहीं अब तुम जाओ और पैसे ले जाओ. तो चलो मेरे और उसके बीच तक थी, तब तक सही थी बात. लेकिन जब वो जाने लगी और उसने मुझे बोला, मैडम बुलाया उसने मुझे, तो मैं गई. और मैं गई उससे पहले मेरे हस्बैंड पहुँच गए थे, और उन्होंने बोला उसको कि पूरा समझा रहे थे उसको गणित की, तो देखो तुमने इतना इतना काम किया है. तो उसने उनकी बात ही नहीं सुनी, सीधा उनको ऐसे हाथ दिखा दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना टाइप. सो जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कोई भी अभी तक रिकॉर्ड रहा है इस घर में, मुझे 3 साल हो गए, मेरी जितनी भी मेड आई कोई भी डायरेक्टली उनसे कुछ बोलती ही नहीं थी. कुछ भी बात होती थी, कुछ पूछना भी होता था तो वो मेरे थ्रू पूछती थी, और जब वो मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते थे तब पूछती थी. तो मैंने उसको बोला
कि तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे, और अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा लालच है देने को, तो मैं हम कितने भी हम दे सकते हैं, लेकिन जो उसने बद्दुआएं देनी शुरू की, किसी को बिने बेवजह बद्दुआएं मत दो यार, किसी को भी, चाहे आप गरीब हो अमीर, और ये गरीब अमीर क्या होता है, हम भी कोई अमीर तो नहीं है ना, हर कोई मेहनत कर रहा है, सब अपनी मेहनत के थ्रू अलग अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। आज मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे हैं इसलिए आज मैं शायद मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, अफोर्ड कर पा रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड की जॉब ही नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगी, मेरी भी सेम कंडीशन होगी। ये अमीर गरीब का हवाला मत दो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एवरीवन इज डूइंग देयर ओन जॉब। तो ये चीज़ थी, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा हो गया, तब मैंने उसको बोला, मैंने बोला अब चाहे जाए 50 रुपये चाहे 10 रुपये, एक पैसा मैं तुमको ज़्यादा नहीं दूंगी। और अभी की वो चिल्लाना शुरू कर दिया उसने वहीं पे, मीन्स मेरे घर के हॉल में चिल्लाना ज़ोर ज़ोर से शुरू कर दिया। और उसके बाद हस्बैंड ने उसको मतलब एक दिन के और आज का जो बर्तन हुआ था उसके 100 रुपीज़ दे दिए, बोली नहीं लिख के दो आप, लिख के दो, उसने एटीट्यूड से बोली दी। तो मुझे बहुत, मैंने भी उसको बोला मैं लिख के नहीं दूंगी, जाओ सिक्योरिटी के पास कॉल करो, मैं हरगिज लिख के नहीं दूंगी, ले हो ये ले रहे हो, बद्दुआ ले रहे हो, आप इतने बड़े लोग, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इतने से पैसे के लिए करो। मैंने बात पैसे की नहीं है, बात तुम्हारे लालच की है, और तुम हो बहुत लालची, और अच्छा हो मुझे ये चीज़ पता चल गई, निकलो मुझे नहीं चाहिए तुम। और रेनू से मेरी जो पुरानी मेट थी, मैंने कहा मेरी जो भी जितनी भी मेट थी उसे पूछ लेना कि मैं कैसी थी और कैसी नहीं हूँ। तो वो अपशब्द बोल के बद्दुआएं देखे वो औरत निकल गई, और पूरा सुबह मेरी बर्बाद कर दी, मुझे लिटरली मैं शॉक में थी। और मैंने फिर सिक्योरिटी को कॉल किया और बोला उसको, पैसे फेंके गई थी तब, हालांकि मैं कुछ कर नहीं सकती, दो घरों में वो काम करती हैं, इंसान का व्यवहार जो होता है वो पता चल ही जाता है, कितना भी आप कोटेड कर लो। तो मैं नहीं चाहती थी ऐसा बोलना या करना, फिर भी मैंने उसको कोई बद्दुआ नहीं दी, कुछ अपशब्द ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मेरे घर में खड़े होकर चिल्ला रही थी, बदतमीजी कर रही थी मेरे हस्बैंड से, मैंने उसको बोला निकलो मेरे घर से बाहर, बस मैंने इतना बोला, मैं नहीं करूँगी सहन जो जो मेरा गुस्से में जो मैंने बोला। तो ये बातें थी, और बहुत मूड अपसेट हो गया, बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर वो चिल्ला रही थी। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं सुन रहा था सब वो किस तरीके से बात कर रही थी, और कई बार बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, देन धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखो सिक्योरिटी को बोल दे, तो उसको दे दिए सिक्योरिटी को पैसे और बता दी सारी बात, तो वो दे देंगे, लेकिन इस तरीके से बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शायद या मेरे जो और भी दोस्त होंगे सोसाइटी के, अगर वो भी देख रहे होंगे तो उनको भी पता चल ही जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो अब तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा जाकर बोलेगी। तो ऐसा है कि कोई कुछ भी बोले, आप जो हो वो वही रहोगे। अब पहले मुझे, मैं ये सोचूं कि अरे वो क्या मेरे बारे में सोचेगा, ये क्या मेरे बारे में सोचेगा, तो ऐसा तो मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चाहे आप कितना भी सीधा चल लो, कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया आपको कोसेगी ही कोसेगी, ये तो रूल है, दुनिया का हिसाब है, किताब है दुनिया का, चाहे कोई ऊपर बढ़ रहा है चाहे कोई नीचे जा रहा है, चाहे कोई कैसा भी हो, सीधे चल रहे हो तो सीधे क्यों चल रहे हो, टेढ़े चल रहे हो तो टेढ़े क्यों चल रहे हो, पीछे चल रहे हो तो पीछे क्यों चल रहे हो, तो ये तो बोलेगी ही बोलेगी, अच्छे दिखो बुरे दिखो कैसे भी दिखो, तो ये दुनिया का हिसाब है। तो इसलिए मैं कहना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर कोई देख रहा हो तो उसको पता तो चले कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो ये चीज़ें हुई थी, तो खुश हूँ मैं कि जो भी हुआ बढ़िया हुआ। तो ये था आज का वीडियो। सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी आपके सवाल हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड या कुछ भी मेकअप से DIYs, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जल्दी कि आप लोग कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो मुझसे मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते रहे तुम कैसे खरीदते हो कहाँ से खरीदते हो, तो जल्दी से अपने टिप्स और मेरे हैक्स जो मैं करती हूँ, जो जैसे जो जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, थैंक यू मेरी इतनी बकबक सुनने के लिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरे चैनल को आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।